इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तहां पुण्य कछु कर दिवस रघुराया, तहां पुण्य कछु कर दिवस रघुराया, रहे किन्हि बे प्रण परदा, रहे भक्ति है तो बहु कथा पुरा, भक्ति है तो बहु कथा पुरा, कहे मित्र यपि प्रभु जाना, कहे तब मुनि सादर कहाँ बुझाई, तब मुनि सादर कहाँ बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जा, चरित एक प्रभु प्रभु देखिए जा, प्रभु देखिए जा। भगवान कुछ दिन गुरु आश्रम पर रहे, भक्ति वर्धन हेतु पुराण इतिहास की कथाएं मानस जी, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और महाभारत ये इतिहास ग्रंथ हैं। 18 पुराण हैं, 18 उप पुराण हैं, ठीक, 18 पुराण, 18 उप पुराण, ऋषियों के द्वारा दी हुई 21 स्मृति ग्रंथ हैं। चार वेद भगवान हैं, चार उपवेद हैं, इनके उपांग हैं, वेदों के नाम है 6 शास्त्र। प्राप्त 11 उपनिषद हैं, उपनिषद इनको श्रीमद् रामायण जी को, श्रीमद् रामचरितमानस जी को और महाभारत जी को पुराण इतिहास कहते हैं, इसलिए इनका नाम पंचम वेद है। ये हमारी सनातन धरोहर है, संपदा है, इसी में हमारे पूर्वजों की पूरी गाथा है। विश्वामित्र जी यही सब सुना रहे हैं, भक्ति है तो बहु कथा पुराना, कहे यद्यपि प्रभु जाना, यद्यपि भगवान जानते हैं तब भी अपनी भक्ति बढ़ाने हेतु विश्वामित्र जी कथाएं सुना रहे हैं। एक दिन एक दिव्य घटना घटी। मिथिलापति जनकराज महाराज, जिनका नाम था शीरध्वज, उन्होंने अपनी बिटिया के स्वयंवर हेतु खबर भेजी, महामुनि विश्वामित्र जी आशीष देने बिटिया हेतु मिथिला पधारे। महामुनि जी ने चर्चा कर दिया, मिथिला में धनुष यज्ञ हो रहा है, क्या आप भी चलेंगे राम जी? हाँ,
बच्चों को खेल को देखने का बड़ा सुंदर आनंद होता है। हाँ बहुत, और दिखाते रहना चाहिए बच्चों को खेल को। हाँ थोड़ा बच्चों के साथ आनंदित रहना चाहिए, घूमते फिरते बच्चों का मन हल्का होता है, थोड़ा पढ़ाई में रुचि होती है। हल्का रहिए, हल्का भैया लोग भी चले। बाबा ने पंक्ति लिखी, धनुष यज्ञ सोने रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सोने रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। आश्रम एक दिख मग माहे, खग मृग जीव जंतु तन नाही। आश्रम एक दिख मग माहे, खग मृग जीव जंतु तन नाही। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि से आप पूछा मुनि शिला देखी, सकल कथा मुनि से। धनुष यज्ञ, एक धनुष रखा गया है यज्ञ में, धनुष जो तोड़ेगा मिथिलेश की बिटिया उनका वरण करेगी। अरे वाह, सुनिए चले। एक स्थान है आजकल, उसका नाम है अहिरौली। जब आप बक्सर से चलेंगे तो मार्ग में पड़ेगा, वहीं माँ अहिल्या जी का उद्धार हुआ था। लोकोक्ति है एक स्थान एकदम मिथिला के निकट है, उसका भी नाम कुछ ऐसा ही है भाई जी। अभी हम कहाँ थे, जब विवाह में गए थे बच्चों के, तो वही बता रहे थे। हमने कहा ठीक महाराज, सब सब वही धाम है, क्या अपने को विवाद में नहीं पड़ते। बक्सर के पास ये प्रसंग भी कहता है, आश्रम दिखा, न पशु न पक्षी, न झाड़ में पुष्प, न वृक्षों में फल, न लताओं में हरियाली, सुखा उजड़ा। कोई कोई स्थान ऐसा होता है ना, जहां जाओ तो अच्छा, मन भी रूखा हो जाता है, मिठास नहीं, रुक्ष, ऐसा होता है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कहां कहां होता है, लेकिन मेरा अनुभव है कहीं कहीं तो जाओ नौ दिन रहने तो मन करता है कब नौ दिन आएगा यहां से जाएं। आपने सुना होगा एक स्थान है कुरुखेत, सुना है ना। कुरुखेत में बताते हैं आज भी वो शुष्कता है, मिट्टी लाल है, रक्तवर्ण, देखा तो नहीं हूं, सुना है। आपके गांव में भी बाउंड्री चौहद्दी में एक क्षेत्र ऐसा होगा जो रुखा होगा, हर गांव में होता है। एक क्षेत्र ऐसा होगा जहां हरियाली हरियाली होगी, एक ऐसा होगा जो कुछ हो बोवा उसरे रहत है, रुक्ष रहता है। कई कई लोग होते हैं, कितो कथा सुनाए द, कितो हंसी का फवारा दे द, लाख कहो। कदाचित किसी ने चिढ़ा दिया, हंसेंगे भी तो अपनी स्टाइल में, बस
इससे अधिक दांतों ने दिखावत। गांव में तो कहते हैं कि जो हंसता नहीं है उसकी कांटे से लहर भी नहीं आती। आदमी चले जाता है। हाँ भाई देखो कोई बैठा हो तो बुरा ना लगाइएगा। देखिए हम तो इसलिए कह रहे हैं कि आप थोड़ा हल्के होइए। बोझिलों के कथा ना हम करते हैं ना सुनना और सुनाना पसंद करते। हाँ एकदम हल्के रहिए। कोई कोई व्यक्ति कोई कोई जीव कोई कोई जीवन कैसा भगवान ने यहाँ प्रभु ने देखा पूछा भगवान ने क्यों ऐसा शुष्क दिखाई पड़ा। पूछा मुनि शिला एक प्रस्तर का विग्रह पड़ा है। सकल कथा मुनि कहा विशेखी विशेष जो कथा थी विश्वामित्र बाबा ने सब कथा कह दी। क्या कथा कही गोस्वामी जी जाने बाबा विश्वामित्र जी जाने शिव बाबा जाने जागवलक जी जाने और काकभुसुंडी जी जाने। यहाँ यह लिखा बा सकल कथा मुनि राम जी गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धी चरण कमल रज चा कृपा राम जी एक गौतम जी की प्रिया हैं धीर बुद्धि हैं। गौतम जी ने आपके चरण की रज से इनका मोचन कहा अस्तु कृपा करिए। भगवान कृपा करते हैं। कोई संत कहे मुनि कहे साधु कहे साधक कहे सदगुरु कहे कृपा अवश्य करते हैं। कितनी कृपा करते हैं आप कह नहीं सकते। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।